हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, थोड़े से बर्तन थे, शाम का टाइम है अभी, तो दिन भर के जो खाने के बर्तन थे, चाय के, और अभी मुझे चाय भी बनानी है। तो मैंने सोचा अभी शाम के टाइम, इस टाइम पे थोड़ा धूप धूप चले जाती है ना, तो यहाँ पर फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ इस टाइम पे। तो बस मैं बर्तन वॉश करके रख दूँगी और अभी मुझे एक और काम और करना है जो मेरा थोड़ा सा और छूट गया था। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा कशिश व्लॉग चैनल पर देखा होगा कि मैंने किचन में पेंट किया था येलो कलर का, तो वो पेंट मैंने वहाँ पर कर दिया था। उसके बाद मतलब कि ज़्यादा था थोड़ा सा पेंट, तो उस पेंट वो बच गया है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर जहाँ पर बर्तन वॉश कर रही हूँ तो यहाँ पर कर देती हूँ, ताकि यहाँ पर भी अच्छा लगने लगेगा। तो जितना बचा है एक दीवार पे आ जाएगा, हाँ एक पैकेट ना लगभग दो दीवार पर आ जाता है, लेकिन मुझे तो एक ही करना था किचन में। और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया, और मैंने रेड कलर बोला था तो अच्छा नहीं लगता, सही बात है, बहुत डार्क भी हो जाता। तो आप लोगों को मेरा जो येलो कलर है ना वो काफ़ी पसंद आया, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा सा था ना, मतलब जैसे कि डार्क वाला येलो। मैं सोच रही थी लाइट वाला येलो रहता तो और अच्छा लगता, तो कोई बात नहीं, ये भी सही लग रहा। और देखिए बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर फिर मैं पेंट कर रही हूँ। तो पहले फिर यहाँ इतने ही दीवार पर ये आया था, थोड़ा सा बच गया था, मैंने यहाँ पर भी डबल कोट मार दिया था। अभी आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये जब सूख जाएगा ना तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, ये वाली दीवार भी ना बहुत अच्छी दिखेगी। थोड़ी सी गंदी हो गई है नीचे से, तो मैं सारा अच्छे से कर दूँगी तो ये सुंदर लगने लगेगा यहाँ पर भी। अब पानी का काम करते रहते हैं ना तो यहाँ पर, तो इस वजह से ये थोड़ा सा गंदा भी हो गया है। तो बस मैं पूरी दीवार पे जो है वो पेंट कर दूंगी, इसके बाद फिर मैं अंदर जो काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो बस वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पर ना कुछ निकाल रही थी तो अचानक से देखा नीचे बहुत सारी चींटी लगी हुई थी। तो ये जो मेरे डिब्बे हैं इनमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें रखी रहती हैं, जैसे डिब्बों में नहीं बन पाती हैं ना, तो कुछ चीज़ें मैं इसमें रबड़ लगा के और वापस से रख देती हूँ। तो बहुत सारी चींटी लगी हुई थी, तो फिर मैंने उनको झाड़ा, निकाला तो साफ़ कर दी। आप लोगों ने बोला था ना कि मैं क्या करूँ कि वो जो लक्ष्मण रेखा आती है वो लगा दिया करूँ तो चींटी नहीं आती, लेकिन मैं कितना भी कर लो थोड़ी देर ही चलती है, जैसे ही वो जितनी देर लक्ष्मण रेखा लगी रहेगी ना उतनी देर ही चलेगी। जैसे गैस में, गैस के पास बहुत आती हैं अभी इस टाइम पे गर्मी में, तो ये जो है ना स्लैब मेरा किचन काउंटर टॉप में चारों तरफ इसमें लगा देती हूँ ना, और लेकिन जब मैं किचन बार बार मेरा साफ़ करना रहता है, कुछ गिराने के बाद साफ़ करना, तो इस वजह से वो छूट जाती है तो ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है, लेकिन उससे चली तो जाती हैं। लेकिन जो बड़े वाले चींटे हैं ना, आप लोग बोल रहे थे, वो इस वाले चौक से नहीं जाते हैं, तो इसीलिए वो तो नहीं जाते हैं, काले वाले तो नीचे आते ही हैं, लेकिन अभी अचानक से आना बंद हो गए हैं, थोड़ा नीचे अभी नहीं आ रहा जब से ये मैंने मैट बिछा दिया है। काफ़ी मेहनत लग गई थी इस मैट को लगाने में उस दिन, बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 3-4 घंटे तो इसी में लग जाते हैं। पूरा सामान मतलब इस तरफ करो उस तरफ करो तब जाके वो होता है। और पोंछा मेरा थोड़ा बहुत गंदा हो गया था और पोंछा भी नहीं लग पाया था, तो मैंने अभी अच्छे से पोंछा भी लगा दिया है। उसके बाद अभी जाके मैंने चाय बनाई हुई है, तो शाम की चाय मैंने नहीं बनाई थी तो वो बना दी। उसके बाद अभी मैं सारा काम करने के बाद चाय पी ली थी, फिर मैंने नहा भी लिया अभी,
बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना एकदम से लग रही थी, और काम हम किया था तो बहुत ही ज़्यादा एकदम गंदी सी हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने नहा लिया जाके। और अब तो गर्मी आ गई ना, तो मेरा 2 टाइम 3 टाइम ऐसा अब हो गया शुरू फिर से, तो बस 2-3 टाइम ऐसे नहाना होता ही रहता है, क्योंकि गर्मी में ना इस यहाँ पर जो गैस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो सीटें हैं ना वो बहुत ही नीचे हैं, जो छत है ना इस कमरे की और पीछे वाले बहुत ही नीचे हैं थोड़ा, तो एकदम भाप ना एकदम गरम गरम भाप ना फेंकता है। यहाँ पर पंखा चालू करके भी अगर रहेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा एकदम गरम गरम हवा फेंकता है, तो बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बना रही हूँ, तो अभी मैंने त्यौहार में कुछ बना ही नहीं पाई और आज दूसरा दिन हो गया था, तो मैंने सोचा मीठे से मैं पहले ये बना लेती हूँ। आज गुलाब जामुन का पैकेट रखा हुआ था आधा, ये अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले मंगवाया था, तो मैंने आधा ही बनाया था, आधा रखा हुआ है, तो मैंने सोचा आज ही मैं बना लेती हूँ। और फिर मैं, भाई दूज भी है संडे को, तो फिर मैं ये ले जा लूँगी, काफ़ी सारा था, हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका और बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसके मैं गुलाब जामुन बना लूँगी। तो मैं ये काम बहुत ही आराम से होने वाला है ये वाला, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से गूँथना है ना, तो ऊपर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा इतना काम रहता है ना, अब मैं काम निकाल लेती हूँ, मतलब कि वाकई में मैं कुछ ना पता नहीं क्या चलता रहता है मेरे दिमाग में, तो मैं सोचती हूँ ये कर लेती वो कर लेती हूँ, बैठे ही नहीं रह सकती मैं, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अभी भी इतना काम पड़ा है मेरे पास, इतना ज़्यादा कपड़े वॉश कर कर के रखे हैं, तो वो मेरे अभी फोल्ड नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, तो वो सब रखी हूँ और थक गई हूँ। और यहाँ का भी मैंने पलंग को ना दूसरे साइड सेट कर दिया इस तरीके से, लेकिन इसको भी मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ, क्योंकि इस पर मैं इसीलिए बेडशीट नहीं डाल रही हूँ, 2-3 दिनों से बेडशीट नहीं डाली ना, क्योंकि मैं इसको यहाँ से हटाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है, यहाँ बैठ जाती हूँ ना तो फिर निकलते उठते बैठते नहीं बनता है, पूरा एक पलंग के कारण ना पूरा रूम है ना जो वो भर जाता है। इस वजह से इसको मेरे हस्बैंड 2 दिन से लगे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा अब कल करेंगे, नहीं करना अभी मुझे कुछ, तो ये पलंग बाहर कर देंगे और फिर यहाँ का कुछ अच्छे से सेट करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कशिस ब्लॉग पर शायद वीडियो आएगा, तो आप लोग देखिएगा। और देखिए यहाँ पर आराम से धीरे धीरे मैंने आटे को अच्छे से लगा लिया था, मैंने नॉर्मल पानी से ही इसको लगाया है, मैं हमेशा पानी से ही लगाई हूँ ना तो अच्छे बनते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा अगर जैसे दूध से अगर इसको आटा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन इस टाइम पे दूध वाला आ ही नहीं पाया था और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैंने पानी से ही लगा लिया था, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं, ऐसा अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर कार्तिक भी बना के दे रहा था, पता नहीं किस किस टाइप के शेप के बना रहा था, तो यहाँ मैंने सिलेंडर शेप में भी बनाए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे वो सिलेंडर शेप में, बहुत ही ज़्यादा फूल गए थे, मोटे हो गए थे, मतलब इतने अच्छे बन रहे थे गुलाब जामुन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे थे। और देखिए मैं एक एक करके ही इस तरीके से ही फ्राई करती हूँ, पहले एक हल्का सा हो जाता है ना गोल्डन ब्राउन, फिर उसके बाद दूसरा डालती हूँ, तो इस तरीके से मैंने देखिए सारे तैयार कर लिए। और बस उसके बाद फिर मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा बस आप लोगों से थोड़ा सा एक ठो दिखा देती हूँ कि देखिए कितने अच्छे से बने हैं, और इसमें चाशनी भी इतनी अच्छे से भर गई है। सबसे पहले मैंने चाशनी को उबलने रख दिया था, तो ये चाशनी भी अच्छे से बने हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे बने हैं।
तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।